डॉक्टर अदनान फिरोज एंड आई एम ऑर्थोपेडिक सर्जन एट फिरोज स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल अलीगढ़। आज हमारे साथ शिवम पेशेंट हैं। इनको शिवम क्या हुआ था, इनको फुट ड्रॉप के पेशेंट हैं ये भी। और कहाँ से आए हो शिवम? मैं पलवल हरियाणा। पलवल हरियाणा से आए हैं ये, और इनको प्रॉब्लम जो है इस राइट पैर में जो फुट ड्रॉप है, आप देख रहे हैं ये बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रहा है। मूवमेंट करके दिखाओ शिवम, लेकिन इनका नीचे वाला मूवमेंट अच्छा है, डाउनवर्ड मूवमेंट। तो जैसे आप लोग सब ने वीडियोस देखे होंगे, तो हम लोग इनमें टेंडन ट्रांसफ़र करेंगे, जिसमें पीछे का टेंडन हम लोग आगे लगा देंगे, और एक टेंडन जो है एक तो यहाँ से लगाएंगे और एक यहाँ से लगाएंगे। ठीक है शिवम। प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई थी शिवम, बताना। एक्चुअली सर मेरा ना रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था, मैं सीढ़ियों से पैर स्लिप हो गया था। तो मेरा फ्रैक्चर हो गया था, तो उसकी वजह से मेरे पैर जो पैरालाइज हो गया था, जिसकी वजह से मेरे पूरे पैर ने काम करना बंद कर दिया था। पूरा पैर मतलब सुन्नी हो गया था मेरा। अच्छा। इसमें कुछ भी वो नहीं थी, पता भी नहीं चलता, पिंच करते थे कुछ भी फील नहीं होता था। फिर धीरे धीरे मैं एक स्पोर्ट्स मैन हूँ, टाइक्वांडो खेलता हूँ, तो मैंने एक था मोटिव था कि यार खेलना है, फिर से खड़ा होना है। फिर मैंने एक्सरसाइज करके इसका सुनपना तो खत्म कर चुका हूँ, बट मेरे अभी ना पंजे में प्रॉब्लम है। पंजे मेरा रोटेट नहीं होता, अप डाउन नहीं होता। तो इनको 2020 में हुई थी ना? हाँ, कोविड से पहले हुआ था, एक दो महीने पहले हुआ था। 2020 एक्सीडेंट हुआ था क्या? हुआ नहीं, गिर गया था, पैर स्लिप हो गया था मेरे शेड्यूल से। पैर स्लिप हो गया था, तो ही इज अ नेशनल टाइक्वांडो प्लेयर। हां जी, और मेडल जीते हुए। चलो, ही इज अ गोल्ड मेडल नहीं, ब्रॉन्ज मेडल। कांग्रेचुलेशन। तो ही इज अ ब्रॉन्ज मेडल विनर, नेशनल टाइक्वांडो प्लेयर है ये, और ये चाह रहे हैं कि फिर से वापस ज्वाइन करोगे स्पोर्ट्स। इनको 2020 में ही मेट विद एन एक्सीडेंट, शायद गिर गए थे कहाँ से, तो उसके बाद इनको स्पाइन इंजरी हो गई थी। स्पाइन इंजरी जब हुई थी तो इनका दोनों पैर पैरालाइज हो गए थे। उसके बाद विद इन अ वीक इनको ऑपरेट कराना पड़ा, जिसमें हम लोग डीकम्प्रेशन, जब भी स्पाइन में फ्रैक्चर होता है तो उसका मैं, और अगर फ्रैक्चर नर्व्स को कंप्रेस कर लेती हैं तो उसमें हम लोग को डीकम्प्रेशन सर्जरी करनी पड़ती है, कि जितना भी फ्रेगमेंट्स है जो नर्व्स को दबा रहे हैं उसको हटाना पड़ता है वहाँ से, इससे पहले पैरालिसिस परमानेंट हो। तो ही वॉज लकी इनफ कि सर्जरी इनके टाइम पे हुई, तो पैरालिसिस इनका बिल्कुल रिकवर हो चुका है। सिर्फ इनका एक फुट ड्रॉप बचा है इस पैर में, राइट पैर में फुट ड्रॉप है जो अभी रिकवर नहीं हो पाया है। हालांकि 2 साल हो गए, थर्ड ईयर है, अभी भी इनका पैर में रिकवरी नहीं हो पाई है। तो इसी इसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे अलीगढ़ आए हैं, ऑल द वे फ्रॉम हरियाणा। तो इसमें हम लोग टेंडन ट्रांसफ़र करेंगे शिवम, और मूवमेंट में होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। टाइक्वांडो जैसे पहले खेलते थे वैसे ही खेलोगे, इनफैक्ट और बेटर खेलोगे, भागोगे, दौड़ोगे भी, सब कुछ करोगे, ठीक है, प्रोवाइडेड जितना भी जो पीरियड होता है रेस्ट का, ठीक है। 6 वीक्स हम लोग ऑपरेशन के बाद 6 वीक्स प्लास्टर लगाएंगे, 1.5 महीने बाद मैं प्लास्टर हटाऊँगा और फिर आपको वापस चलाऊँगा, ठीक है। मूवमेंट्स अगर आपके टेंडन के 4x5 है, अगर ये नीचे वाला मूवमेंट आपका 5x5 है, ऊपर वाला मूवमेंट 1 पावर कम हो गया, ठीक है। अगर नीचे वाला 4x5 है, ऊपर वाला 3x5 हो गया, तो 1 पावर कम हो जाता है। कम्प्लीटली नॉर्मल नहीं होगा, लेकिन नॉर्मल के करीब होगा, ठीक है। फिर जितने पेशेंट अब तक करे बचाने के तौर पर वो फुट ड्रॉप खा भी जाएगा, ठीक। और मेन है यही सब तुम्हारे लिए। मैं चलने का वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि अभी ये पूरा ड्रेप हो चुका है, इसमें सफाई वफाई वर्क कर रहे हैं, सैलून साफ कर दिए सर, और ये पूरा स्ट्रैल ड्रेप है, तो उसको मैं सिर्फ इसको कवर अप कर लूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। सर्जरी अभी 2 बजे क्या टाइम हो गया, 3 बजे तो सर्जरी 1 घंटे में 4 बजे करेंगे, ठीक है सर। चलो, थैंक यू सो मच।